हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा देश जो आज भी मानता है कि उनके आसपास के पहाड़ों में हिम मानव यानी यति रहते हैं। वो देश जहाँ एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक कपल हनीमून मनाया जाता है। देश का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि अगर एक बार किसी ने इस देश में कदम रखा तो वो यहाँ से जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ ट्रेकिंग और स्काई डाइविंग काफी पॉपुलर है। साथ ही इस देश में उगने वाले फल दुनिया के सबसे रसीले माने जाते हैं। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय आदि। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के बीच में बसे एक छोटे से देश तजिकिस्तान की। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बता दें कि तजिकिस्तान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान है। देश की आबादी है कुल 90 लाख। देश की 27% आबादी शहरों में रहती है जबकि 77% लोग गांव में रहते हैं। तजिकिस्तान को एक युवा देश माना जाता है क्योंकि यहां की कुल 50% आबादी की औसत उम्र 30 साल से नीचे है। 9 सितंबर 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद तजिकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। उससे पहले इस पूरे देश पर सोवियत यूनियन का ही कब्जा हुआ करता था। तजिकिस्तान का नेशनल एनिमल मार्को पोलो भेड़ है जबकि नेशनल बर्ड सेकर फाल्कन है। देश का ज्यादातर हिस्सा समुद्र तल से लगभग 9,800 फीट से भी ऊपर है। तजिकिस्तान उन देशों की सूची में शुमार है जो पूरी तरह से लैंडलॉक देश माने जाते हैं, यानी कि ये देश चारों तरफ से जमीन और पहाड़ों से घिरा हुआ है। देश का बॉर्डर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से जुड़े हैं। तजिकिस्तान पूरे एशिया में सबसे छोटे देशों में से एक है। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है जो कि तजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। दुशांबे को यहाँ मंडे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर एक गांव से ऊपर था जो कि सोमवार बाजार स्थान के नाम से जाना जाता था। तजिक भाषा में दुशांबे का मतलब मंडे यानी सोमवार ही होता है। तजिकिस्तान एक पहाड़ी देश है। इस देश का 90% से ज्यादा हिस्सा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है और देश का लगभग 50% हिस्सा समुद्र तल से 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इसके अलावा 7495 मीटर लंबी इस्माइल सुमानी पीक तजिकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। भाषा की बात करें तो देश का ऑफिशियल लैंग्वेज तजिक है जो कि तजिक सिरिलिक वर्णमाला में लिखी गई है। असल में तजिक भाषा फारसी भाषा का ही एक प्रकार है। फारसी भाषा बोलने की वजह से तजिकिस्तान के लोगों को ईरान के फारसी बोलने वालों और अफगानिस्तान के दारी बोलने वालों से बातचीत करने में कोई समस्या नहीं होती। इतना ही नहीं, तजिकिस्तान की दोस्ती रशिया और उज्बेकिस्तान के लोगों से भी इसलिए ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहां के भी ज्यादातर लोग इसी भाषा में बात करते हैं। इस देश में अधिकतर लोगों का धर्म इस्लाम है जो सुन्नी समुदाय के हैं। तजिकिस्तान की करेंसी है सोमोनी। वहीं अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो 2014 में तजिकिस्तान का GDP 49% था। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 20% आबादी प्रतिदिन 1.25 अमेरिकी डॉलर पे रहते हैं। अब अगर इस देश की खूबसूरती की बात करें तो पहाड़ों की तरह तजिकिस्तान के झील देश के प्रकृति में चार चांद लगाने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में करीब 1450 झीलें हैं। यहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम है काराकुल लेक। ये झील देश के उत्तर पूर्वी भाग में समुद्र तल से 3914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत झील इस्कंदरकुल है। ट्रायंगल शेप की ये झील 2195 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि एक बार महान सिकंदर इस झील के पास रुक गया था और इसलिए झील का नाम उनके फारसी नाम के सम्मान में रखा गया था। साथ ही दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क तजिकिस्तान में ही स्थित है जिसे पामर हाईवे M41 कहा जाता है। तजिकिस्तान की यह सड़क दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तजिकिस्तान के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। सिर्फ खाने के शौकीन ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग खाने की इतनी इज्जत करते हैं कि आप इनके सामने खाने का बिल्कुल भी अपमान नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी खैर नहीं। देश का नेशनल डिश है प्लॉव और यहाँ के लोग ओशी प्लॉव के काफी दीवाने हैं और इस डिश को यहाँ के लोग पूरे शौक के साथ खाते हैं। तजिकिस्तान के लिए ओशी प्लॉव किसी परंपरा से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाने में इस पकवान की काफी अहमियत है। ये डिश चावल, गोश्त और कई तरह की सब्जियां मिलाकर तैयार की जाती है। तजिक संस्कृति में इसका खास महत्व है। यहाँ का कोई भी त्योहार, जश्न या खुशी का मौका इसके बिना अधूरा है। तजिक लोग इसे सभी खानों का बादशाह कहते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी तजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक माना जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग ग्रीन टी के साथ सबसे ज्यादा ब्रेड खाना पसंद करते हैं। ब्रेड की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि तजिकिस्तान के ब्रेड का मुकाबला किसी और देश से हो ही नहीं सकता। ये बहुत मुलायम होता है और बहुत कमाल का लगता है। तजिकिस्तान का ब्रेड दुनिया के सबसे स्वादिष्ट ब्रेड्स में से गिना जाता है। यहाँ तरह तरह के ब्रेड मिलते हैं।
यही वजह है कि यहाँ के लोग नाश्ते और खाने के साथ भी सबसे ज्यादा ब्रेड खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तजिकिस्तान की शादियाँ कैसी होती हैं? यहाँ आपको दुनिया के सबसे अनोखे शादी समारोह देखने को मिलेंगे। ये समारोह 7 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी का ऐलान करते हैं और अपने परिवारों के साथ अलग अलग खाना खाते हैं। ये सिलसिला पूरे 3 दिन तक चलता है। ये यहीं पे खत्म नहीं होता। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन 40 दिनों तक हनीमून मनाते हैं। इस सब के बीच में तजिकिस्तान ने एक अजब कानून बनाया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी जश्न जैसे कि शादी समारोह में अपनी आमदनी के हिसाब से लोगों को आमंत्रित करेगा। ये इसलिए बनाया गया है ताकि शादी के बाद परिवार पर पैसों का तनाव न पड़े। तजिकिस्तान में फूलों का एक अलग महत्व होता है। इस देश के लोग फूलों को काफी पसंद करते हैं और फूलों की काफी इज्जत भी करते हैं। फूलों के सम्मान में तजिकिस्तान की सरकार यहाँ एक दिन का नेशनल हॉलीडे भी रखते हैं। इस दिन यहाँ भजन और नृत्य संगीत भी किया जाता है। पॉपी और ट्यूलिप तजिकिस्तान के स्वदेशी फूल हैं। ऐसे ही इसे अनोखा देश नहीं कहा जाता। फूलों के लिए ऐसा करना किसी और देश में नहीं देखा जाता है। दोस्तों, इस देश से जुड़ी एक ऐसी चीज भी है जो आपको हैरान कर सकते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज भी तजिकिस्तान में येटी पाए जाते हैं। येटी यानी हिम मानव, जो दिखने में आधे मानव और बड़े भालू की तरह होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने किताबों और फिल्मों में देखे होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तजिकिस्तान के लोग खुद इस बात को मानते हैं। सबसे पहले रशियन आर्मी ने पामीर की पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ मानव या येटी देखने की बात बताई थी। हिम मानव या येटी की पौराणिक कथाएं आज भी तजिकिस्तान में मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको तजिकिस्तान के लोगों से जुड़ी एक ऐसी चीज बताते हैं जो सुनने में आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है। दरअसल इस देश के लोग बॉलीवुड फिल्मों के इतने दीवाने हैं कि बस पूछिए ही मत। तजिक लोग बॉलीवुड से खासे प्रभावित हैं और शाहरुख खान, शाहिद कपूर और ऐश्वर्या राय का नाम लेने पर तो ये लोग उछल ही पड़ते हैं। इन्हें हिंदी फिल्मी गानों पर नाचने का बेहद शौक होता है। यहाँ की शादियों और दूसरी पार्टियों में बॉलीवुड के गानों पे जम के डांस होता है। इसके साथ ही यहाँ हफ्ते में 5 दिन टीवी पे सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही दिखाई जाती हैं। तजिकिस्तान में मुख्यतः अनाज, कपास, फल और सब्जियों की खेती तथा मवेशियों में भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है। और तो और, तजिकिस्तान दूसरे देशों को एल्युमिनियम, कपास, बिजली, फल, वनस्पति तेल और कपड़े भी एक्सपोर्ट करता है। तजिक संस्कृति में खेल काफी अहमियत रखते हैं। यहाँ खेल इतने लोकप्रिय हैं कि छोटे स्थानीय टूर्नामेंट्स भी हजारों दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। उनमें से सबसे शानदार खेल जो इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, वो है घुड़सवारी और बुजकाशी। बुजकाशी तजिकिस्तान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बुजकाशी 2 टीमों द्वारा खेला जाता है, जो घोड़े की पीठ पर एक मेढ़े के शव के लिए लड़ते हैं। इस खेल में हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि एक साथ इस खेल में करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चाइना और यूरोप के लिए तजिकिस्तान काफी फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि तजिकिस्तान के जरिए ही सिल्क रोड से होकर चाइना और यूरोप में बिजनेस का सिलसिला चलता है। यानी कि तजिकिस्तान ने अगर एक बार मना कर दिया तो चाइना और यूरोप के बीच बिजनेस में काफी नुकसान हो सकता है। तभी तो चाइना और यूरोप तजिकिस्तान से अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, तजिकिस्तान में भूकंप आना जैसे सबसे आम बात होती है। भूकंप कब तजिकिस्तान में तबाही मचा दे, ये खुद इस देश के लोग भी नहीं जानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरा देश पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। 1907 का कोराटॉक भूकंप और 1949 का खेत भूकंप तजिकिस्तान के 2 सबसे घातक भूकंप थे। इन 2 प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई थी। वैसे तो ये देश देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाइयों के बीच कुछ न कुछ बुराइयां भी होती हैं। हो सकता है तजिकिस्तान के लोगों की एक बात शायद आप लोगों को पसंद ना आए। दरअसल इस देश में महिलाएं साइकिल नहीं चला सकती। यहाँ पर महिलाओं के साइकिल चलाने पे पूरी तरह से बैन लगाया गया है। तजिकिस्तान में केवल पुरुषों को ही साइकिल चलाने की अनुमति है। ये देश आज भी लड़कियों को पूरी तरह से आजाद नहीं करना चाहता। वैसे जब बात महिलाओं की हो ही रही है, तो आपको बता दें कि यहाँ की महिलाओं को दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। दोस्तों, तजिकिस्तान में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। यहाँ के घोड़े इतने फेमस है कि यूरोपियंस खास तौर पे तजिकिस्तान केवल घोड़े खरीदने ही आते हैं और यहाँ आकर घुड़सवारी करना पसंद करते हैं। अगर बात करें तजिकिस्तान के लोगों की, तो यहाँ के लोग काफी खुशनुमा अंदाज के माने जाते हैं। इस देश के लोगों को एक साथ बैठ के जोक्स मारना और मस्ती करना काफी पसंद होता है। अगर आप तजिकिस्तान के लोगों के साथ बैठ जाएं, तो आपका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा और आप कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। तजिकिस्तान के नागरिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को से वॉशिंगटन तक आपको इस देश के लोग मिल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि तजिकिस्तान की तुलना में अफगानिस्तान में तजिकों की संख्या बहुत अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के दौरान अफगानिस्तान में तजिकों की संख्या करीब 13 मिलियन थी। तजिकिस्तान में टूरिज्म पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रहा है। इस देश की प्रकृति और सुंदरता हर साल हजारों लोगों को दुनिया के कोने कोने से अपनी ओर खींच लाती है। यहाँ लोग स्काई डाइविंग और ट्रैकिंग करने आते हैं।
अगर आप भी तजिकिस्तान की सैर करना चाहते हैं तो इसके लिए करीब 70,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो बाकी देशों के मुकाबले हो सकता है आपके बजट में हो। यही वजह है कि तजिकिस्तान युवाओं के बीच काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। दोस्तों, तजिकिस्तान का मतलब है ताजिकों का वतन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तजिकिस्तान का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में वर्णित महाजनपद कम्बोज तथा परम कम्बोज का स्थल यही माना जाता है। इतना ही नहीं, इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि एक समय यहाँ बौद्ध धर्म भी आया था। अन्य देशों की तरह तजिकिस्तान का भी अपना एक अलग राष्ट्रीय झंडा है। इस झंडे पर धारीदार लाल सफेद हरे रंग है और झंडे के ठीक बीच में एक सोने का मुकुट है। तजिकिस्तान के झंडे पर हरा रंग कृषि उत्पादन के लिए है, जबकि लाल राज्य संप्रभुता का प्रतीक है और सफेद रंग कपास के लिए है, जिसने तजिकिस्तान को दुनिया में पॉपुलर बनाया था। वहीं मुकुट के ऊपर 7 स्वर्ण सितारों की एक चाप है, जो देश के विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें श्रमिक, किसान और बुद्धिजीवी शामिल हैं। दोस्तों, ये था छोटा लेकिन सबसे अलग और अनोखा देश तजिकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको तजिकिस्तान की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो तजिकिस्तान, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।